कंस ने देवदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। देव की बोली भैया इतना घमंड इतना बड़ा अत्याचार इतना बड़ा पाप ठीक नहीं रहता है। भैया तू अपने आप को सच बात तो यह है कि तू ईश्वर मान रहा है भैया लेकिन तुझे नहीं मानो रावण ने कई को मोर समान कुंभकर्ण भैया बड़ो बलवान दसा बल को ना परमान मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान को निशान भैया तुम काय पे करो अपमान जाने कितने हरे पात पीले हो गए जाने कितने घमंडी ढीले हो गए जाने कितनों के पीले हो गए यहाँ से चले जाओ भैया। कंस ने लात मार दी देव के पेट के बल जमीन पर गिर जाती है माताओं आदेश देके चला गया पैरों डालो बच्चा जन्म ले तत्काल मुझे बता देना लापरवाही नहीं बरतनी है जैसे ही बालक जन्म ले तत्काल मुझे बता दे ये आत्मा बालक है देवताओं की वाणी कभी झूठ नहीं जा सकती ये मेरा काल बनेगा देवताओं ने कहा था। कंस तो चला जाता है देवकी को प्यास लगी है माता उस कारागृह में देवकी अपने प्राणपति बसदेव से बोली पिया एक घूंट पानी दे दो प्रसव का समय है माताओं पीड़ा हो रही है मैया देवकी लोटी लोटी डोल रही है जेल खाने में मेरी माताओं व मैया देवकी को एक घूंट पानी देने वाला कोई नहीं है उस जेल खाने में देवकी बोली भैया कोई पानी पिला दो बस देवकी के पास में माता बनो भाई बंधु देवकी दूसरी चट्टान से बनी बसदेव जी दूसरी चट्टान से हाथ में अक्कलियां पैरों में बेड़ियां हैं देवकी बोली पिया तुम्हें थोड़ा तरस लाओ मेरे मुंह में पानी डाल दो एक घूंट पानी दे दो मेरे गला सूख रहा है मेरी जान जा रही है।
दिख रही है, रो रही है। माताओं